तो बहुत बहुत स्वागत है गाइस आपका सबका मेरे इस चैनल पे। मैं आज आपके सामने लेके आया कुछ यूनिक चीज़, और आज लगाने वाला देख सकते हो मेरे साथ दोनों बाइकें खड़ी हुई, आर1 5 भी खड़ी हुई और KTM भी खड़ी है। तो इसके लिए मैं लेके आया हूँ सिंपल ये एक टेल लाइट फ्लैशर। तो ये देख सकते हो ये टेल लाइट फ्लैशर है मेरे पास में, सिमटेक ब्रांड का है जिसमें आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है। तो इसमें क्या था, इसमें फ्लैशर आर1 5 के लिए फ्लैशर पहले आपने देखा तो आता था, मगर वो इतना चीप था, वो इतना ज़्यादा वो नहीं था, ऐसी KTM का था, इतना वो नहीं था। अब क्या, अभी एक ब्रांड आ गया सिमटेक का जिसके अंदर आपको 1 ईयर की वारंटी मिलेगी गाइस। तो इसको सिंपली लगाने का प्लग एंड प्ले है, कोई इसमें वायर कट नहीं, कुछ नहीं करना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए खोलने पड़ेगा हमें दोनों बाइकों की सीटें। तो सबसे पहले करके दिखाएंगे, मैं इनकी दिखाता हूँ अनबॉक्सिंग, और इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है, सिर्फ जिसकी हार्डनेस है उसके अंदर फर्क है गाइस। तो दोनों का कंपैरिजन मैं दिखाता हूँ आपको। तो गाइस देख पा रहे हो जैसे कि अपने बॉक्स है दोनों के दोनों, तो ये देख सकते हो ये मेरे पास में जो अपना देख सकते हो, तो ये मेरे पास में KTM का, तो इसमें एक स्विच दे रखा है, ये स्विच इसलिए दे रखा है ताकि इसके पैटर्न जो आप अपने हिसाब से सेट करके इसको फिक्स कर सकते हो गाइस। तो इसमें जो पैटर्न आप फिक्स करोगे वही पैटर्न रहेगा। और अब ये अपना KTM का था, मैं आपको आर1 5 का दिखाता हूँ। तो गाइस ये देख सकते हो ये आर1 5 का है, तो ये हार्नेस से सीधा इधर होता है और इसके अंदर भी ऐसे स्विच दे रखा है गाइस, और ये इसके कपलर दे रखा है, प्लग एंड प्ले है, कोई इसमें वायर कट अलग से कुछ नहीं है। तो गाइस सबसे पहले इनकी खोलते हैं सीट और सबसे पहले इनको करते हैं फिट। तो हमारे को अपने KTM में लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये आगे वाली जो छोटी सीट है हमें इसको खोलना है, और उसके बाद में अपना 5 नंबर की एलन की से लेकर अपना ये सीट जो पूरा देख रहे हो अभी पूरा खुल जाएगा। तो सबसे पहले अपने KTM के अंदर हम फ्लैशर लगाते हैं। गाइस देख सकते हो अपना पीछे वाला इसका बैक सीट जो है खुल चुका है। तो हमें क्या करना है, सिंपली देख सकते हो अब ये कपलर है, इसको खोलना है हमारे को, और आप देख सकते हो प्लग एंड प्ले सीधा सिंपली ये लगा देना है अपने को इसके अंदर। तो आप देख सकते हो कितना आसानी से लग रहा है, और इसके अंदर जो अलग से ब्लैक से ढका हुआ है इसके अंदर क्या है, इसमें एक्स्ट्रा स्विच लगाने के तौर पर है कि अगर आप चाहो तो इसके अंदर एक अलग से स्विच लगा सकते हो। और इसके अंदर ये बताया था मैंने, इसके अंदर जो ये बटन है इसका पैटर्न चेंज करने के लिए है। तो आप चलिए सबसे पहले इसको चेक करते हैं किस तरीके से वर्क कर रहा है ये। तो गाइस देख सकते हो किस तरीके से काम कर रहा है फ्लैशर अपना, अब चेंज करना मोड। तो गाइस देख सकते हो कितना मस्त लग रही है एकदम, बहुत बढ़िया, दोबारा चेंज करो। तो आप देख सकते हो मोड इसके कितना अच्छा लग रहा है, साथ में इसमें फ्लैशर लगा हुआ उसके साथ में कितना बढ़िया लग रहा है ये। और देख सकते हो बीच वाली लाइन ब्लिंक हो रही है इसके अंदर सिर्फ इसकी, अब देखो वही जल रही है सिर्फ। तो इसमें गाइस बहुत सारे पैटर्न है इसके अंदर, और देख सकते हो ये पैटर्न कितना यूनिक है और कितना अच्छा लग रहा है इसके साथ में। और क्या होता है, जैसे हम लोग इसकी ब्रेक दबाएंगे, जैसे मान लो एक बार ब्रेक दबाते हैं हम इसकी, अब देखिए जैसे ब्रेक दबाई इसकी तो ये क्या पहले ब्लिंक करेगा 2-3 बार, उसके बाद में स्टॉप लाइट की तरह एकदम जल जाएगा। तो अब ब्रेक छोड़ो, आप ये देख सकते हो गाइस। तो अब हमने लगा दिया अपना KTM के अंदर, अब इसकी सीट वगैरह लगाते हैं, उसके बाद हम लगाते हैं R15 के अंदर गाइस जल्दी से। तो गाइस सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, हमको खोलना पड़ेगा पहले इसका ये वाला जो कवर है अपना स्क्रू का, ये खोलना पड़ेगा। उसके बाद में 12 नंबर का रैचेट हैंडल लेके उसको सीट को करना है। और आपने देखा था किस तरीके से हमने अपने KTM में लगाया था, सेम उसी तरह प्रोसेसिंग से इसी में लगाना है। इसमें भी कपलर टू कपलर है, कोई इसमें अलग से कुछ वायरिंग हार्नेस कुछ नहीं लगाना, सिंपली उसी तरीके से लगा देना। तो इसके अंदर मैं लगाता हूँ, उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमने इसके अंदर लगा और इसके में किस तरीके का इसका पैटर्न आ रहा है, और उसके KTM के कंपैरिजन में R1 के कंपैरिजन में कौन सा ज़्यादा बेटर है। तो अपने इसमें कपलर लगा दिया, कपलर लगाने के लिए सिंपली कुछ नहीं कर रहा, सीधा प्लग एंड प्ले के जैसे आप देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था इसका सीधा सीट खोलना है। और क्या हुआ, सीट खोलने के बाद में एक प्रॉब्लम आई, जो इसका ऊपर का गार्ड था, जो इसके ऊपर सीट अपने लगी हुई थी तो उसे हटाना पड़ा, तो उसको हमने हटाया 10 नंबर की अपने टी लेके और एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से। तो आप देख सकते हो इसमें के अंदर फ्लैशर लगा दिया, और फ्लैशर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, देख सकते हो आप। तो इसमें जैसे अपने KTM के अंदर लगाया था उसी टाइप से इसके अंदर मोड चेंज होंगे, तो आपको मोड चेंज करके दिखाता हूँ मैं इसका मोड चेंज करना। तो आप देख सकते हो इसके मोड चेंज हो रहे हैं, जितनी बार हम बटन प्रेस करेंगे उतनी बार होगा। तो कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आएगा, यार हमें बाइक चला रहे हैं और हम लोग कैसे इसको मैनेज करेंगे कि हमें टेल लाइट का फ्लैशिंग वाला ये हमें चेंज करना है, अभी चेंज करना है। तो उसके लिए आप इसके अंदर आप अलग से एक स्विच भी लगा सकते हो, उसके अंदर कोई आपकी वारंटी वगैरह कुछ ऐसा इशू नहीं आएगा, तो एक अलग से आप स्विच इसके अंदर आप लगा सकते हो उसके अंदर। अब ब्रेक दबाना है इसकी। तो गाइस देखा आपने कितना अच्छा, कितनी इसके अंदर विजिबिलिटी कितनी साफ़ है। तो पीछे से अगर हम फॉग वगैरह में चलते हैं, बाय द वे किसी साइड में अगर वहाँ धुंध वगैरह होता है तो इसमें फ्लैशिंग करके थोड़ा बंदा पीछे वाला जो राइडर होगा वो अलर्ट हो जाएगा तो किसी तरीके से। तो इसके बहुत सेफ़ है ये गाइस। तो आपने KTM में देखा और R15 में देखा,
तो आप दोनों के कंपैरिजन में दोनों में बताना कि किस में ज़्यादा फ्लैशिंग ज़्यादा अच्छी लग रही है गाइस। तो अब इसी के साथ में अब इसको पूरी सीट को जैसे हमने खोला था इसी तरीके से हम जैसे खोला था हमने उसी तरीके से हम करते हैं।